सर्वेरा थिबेटिया सर्वेरा थिबेटिया जो होता है येलो एलियंडर भी से बोला जाता है पीला कनेर पीला कनेर पीला पीला कनेर क्योंकि इसमें पीले फूल होते हैं ये बेल से फूल पाए जाते हैं इसके जो फ्रूट होते हैं वो ग्लोबुलर होते हैं और पत्तियां इसकी लेंसोलेट शेप में होती हैं अब जो प्लांट है उसके प्लांट से बाइटिस जूस निकलता रहता है अगर अपन देखेंगे तो और जो इसका प्लांट है, हर चीज इसकी आगे जाएगा, कंटेन, कार्डियक ये कार्डियक पॉइजन है इसमें ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं नाम जैसे और जो और जो होते हैं वो सिमिलर करते हैं सिमिलर टू डिजिटेलिस तो ये भी अपना पॉइजन होता है तो होता है एक्टिव प्रिंसिपल और क्या रूबोसाइड भी पाया जाता है और सरबेरीन भी होता है जो सरबेरीन है सेरेब्रीन जो सेरेब्रीन होता है नामी सेरेब्रीन अपने को अलग ही लग रहा है कि सेरेब्रीन एक्शन करेगा सीएनएस पे और प्रोड्यूस करेगा कन्व आगे अगर अपन बात करेंगे साइन और सिम्टम की तो ये साइन जो इसका रस होता है इसका जूस निकलता है ने बात करी थी बाइटिस जूस निकलता है तो इसका जो सेप ऑफ प्लांट उसका जो जूस होता है रस होता है वो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है किन में इंफ्लामेशन सभी में नहीं सेंसिटिव इंडिविजुअल में इंफ्लामेशन प्रोड्यूस करता है अगर इसको अगर अपने इसके सीड है इसके बार्क है उसकी जो छाल है यदि कोई उसे च्विंग करेगा चबाएगा तो क्या हो सकता है ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है कि जब इसे कोई चला चबाता है तो स्लाइट नमनिंग हो जाती है शून्य पड़ जाता है और फीलिंग ऑफ हीट ऐसा गर्म जो गर्म फीलिंग आती है इन द माउथ तो स्लाइट नमनिंग और फीलिंग ऑफ द हीट इन द माउथ आगे जाएगा यदि कोई इसे खाता है इंजेक्शन करता है तो वो ही अपना अपनी यहाँ थी ना नमनिंग होती है फीलिंग ऑफ हीट इन द माउथ इसी तरीका सेंसेशन तो बर्निंग पेन इन द माउथ जैसे जल रहा है माउथ और उसके बाद ड्राइनेस ऑफ थ्रोट अपना जो गला है वो सूख जाएगा तो ड्राइनेस ऑफ थ्रोट टिंगलिंग एंड नमनेस ऑफ द टंग तो टिंगलिंग और नमनेस ऑफ द नम ऑफ द टंग आगे आ जाएगा जनरल सिम्टम जैसे बॉमिटिंग, डायरिया हेड एक चक्कर आ सकते हैं अपने को प्यूपिल जो होगी वो डायलेटेड हो जाएगी और अपन बात करेंगे लॉस ऑफ मस्कुलर पावर तो फेंटिंग वो गिर सकता है फेंटिंग चक्कर खाके आगे आ जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को कार्डियक सिम्टम याद करना है जैसे क्योंकि ये कार्डियक पॉइजन है तो पल्स कैसी हो जाएगी रैपिड पल्स चल रही है पल्स बिल्कुल रेगुलर नहीं है बिल्कुल बीक पल्स है और इरेगुलर पल्स चल रही है बीपी जो होगी वो बीपी लो हो जाएगी ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा अब हार्ट ब्लॉक हो सकता है हो सकती है, डेथ हो सकती है बाय पेरिफेरल सर्कुलेशन फेलियर। तो फटाफट फ़ड़ देख लेते बर्निंग पेन हो रहा था ड्राइनेस ऑफ दॉमिनेस डायटेड पीपिल लोस ऑफ मस्कुलर पावर फेंटिंग पल्स जो हो जाएगी रैपिड बीक इरेगुलर बीपी जो हो जाएगा लो हार्ट ब्लॉक और डेथ बाय पेरिफेरल सर्कुलेशन फेलियर अब बात कर लेते हैं इसके फेटल डोज की तो हम ऐसा याद रखेंगे कि फेटल डोज पत्तियों की बात की जाए तो फाइव टू टेन लीफ इसकी फेटल डोज का काम करती है टेन से हमने क्या याद रख लिया कि एट टू टेन तो टेन आ रहा तो टेन सीट याद होगा फाइव टेन फाइव टू टेन लीप टेन सीट एट टू टेन सीट एट के बाद आ जाएगा अपने फिफ्टीन टू ट्वेंटी ग्राम ऑफ रूट फेटल डोज का काम करती है फेटल पीरियड कितना होता है टू टू थ्री आवर इसका फेटल डोज होता है तो फेटल डोज टू टू थ्री आवर पोस्टमार्टम अपेस क्या रहेंगे टू टू थ्री आवर होगा अब पोस्टमार्टम अपेरेंस पीएम अपेयरेंस में क्या होगा कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं होती है नॉन स्पेसिफिक होती है हमें मेन मिलेगा स्टोमक और ड्यूडेनम में कंजेशन मिलता है चूंकि इन्फ्लामेशन था तो कंजेशन मिलता है और सीड के मिल सकते हैं स्टोमक और डियोडेनम में तो अपने को जनरल नॉन स्पेसिफिक कंजेशन मिलता है सीड के फ्रेगमेंट मिलते हैं स्टोमक डिओनम में कहां, कहां पॉइजनिंग हो सकती है सरकम ऑफ पॉइजनिंग तो रूट और सीड को यूज किया जाता है फॉर सुसाइडल और होमिसाइडल उसके बाद सीड और रूट को यूज किया जाता है क्रिमिनल अबोर्सन जो क्रस्ड सीड है जो सीड क्रश करके मिक्स कर दिए जाते हैं मक्के के साथ कॉर्न के साथ और ब्रेड के साथ अपने रोटी के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं जो कि कैटल पॉइजनिंग की तरह यूज किया जाता है तो कैटल पॉइजनिंग क्रिमिनल अबोर्सन सुसाइडल होमिसाइडल ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है तो इसकी जो पॉइजनिंग के लिए हमें स्टोमक बास दी जाती है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है साथ ही साथ थर्ड है अपना सोडियम मोलर मोलरिलेक्टेड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है विद ग्लूकोज वन मिलीग्राम एट्रोपिन टू एम एल और टू मिलीग्राम नॉर एड्र दिया जाता है तो जनरल हमारा अगर ये जो थे थेटी में ये साइन और सिम्टम अपने रस के अलग अलग थे अपने सेंसिटिव पर्सन में इंफ्लामेशन होगा चुनिंग में अपन ने देख ली नमनिंग फेलिंग ऑफ हीट इन द माउथ और बाकी इंजेक्शन के देख चुके हैं तो ये हमने कंप्लीट करा येलो ओरिएंटर सेरेब्राथिबेटिया पीला कनेर थैंक यू